नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज है 16 नवंबर 2022 और आज ही के दिन आपका बीटीसी और बीएड का जो विवाद चल रहा है कि बीएड सुपर टेट में एलिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर आज अंतिम फैसला आने वाला था। इसलिए सारे पक्ष को बुलाया गया था, बीटीसी वाले पक्ष को भी बुलाया गया था, बीएड वाले पक्ष को भी बुलाया गया था और एनआईएस वाले को भी बुलाया गया था कि आप लोग अपना 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 पक्ष रखिए और उस पर आज डिसीजन आने वाला था। लेकिन किसी कारणवश से ये डिसीजन आज नहीं आ पाया और अब आपको अगली डेट मिली है। और अगली डेट कब मिला है, तो अगली डेट आपको 24 नवंबर 2022 मिला है, यानी कि ठीक एक सप्ताह बाद अब आपका इस पर बात, इस पर सुनवाई होगा। लेकिन अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या 24 नवंबर को फाइनल डिसीजन आ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, 90% चांस है कि 24 नवंबर तक आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन दिया जाएगा कि बीएड सुपरटेट में एलिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन 90% चांस ये भी है कि बीएड आपका सुपरटेट में एलिजिबल रहेगा, जैसा कि 69,000 वैकेंसी में रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी मेरे भाई बहन बीएड वाले भाई बहन या बीटीसी वाले भाई बहन, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आ जाएगा आपको 1-1.5 महीने बाद यूपी टेट की वैकेंसी, यानी कि यूपी टेट हो जाएगा, और यूपी टेट जैसे ही हो जाएगा आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है। यानी 2023 में लगभग 90% चांस है कि आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है, 90%, ठीक है। ये कब आएगा सुपर टेट के बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको 2023 में ही आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है, वो चाहे जून में मिले चाहे जुलाई में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए जब इसका डेट आ जाएगा और जब फाइनल हमको ये सुनने को मिल जाएगा कि सुपर टेट की वैकेंसी आ रही, तब आप पढ़ाई करेंगे, तब आप बहुत पिछड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस बार बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन है। और आपको इस कॉम्पिटिशन में अगर आपकी एक सीट पक्की करना है तो आज से ही आपको 4 से 5 घंटे का समय निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। 24 घंटे में लिए 4 से 5 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो इसलिए बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप, जैसे हमारे कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग पढ़ा रहे होंगे या कुछ भी पढ़, तो उसको आप अब 2-4 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 2-4 महीने आपके लिए बड़ी कीमती है, ठीक है। और आप लोग के कहने पे मैंने करंट अफेयर भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो करंट अफेयर की क्लास लीजिए, बहुत कम समय में आपको बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर मिल जाए। और हाँ, जब आप हर दिन एक टारगेट फिक्स करिए कि हमें इतना पढ़ाई करना है, हमें ये टारगेट, आज ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक तैयार करने हैं, ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक तैयार करने हैं। खुद से भी मेहनत करिए, क्योंकि खुद से जब मेहनत करेंगे तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी करके सुपर टेट में 128 नंबर आप भी ला सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने रीजनिंग का बताया आपको कि रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ लेना है, जैसे मैंने इंग्लिश आपको बताया कि इंग्लिश में आपको क्या क्या टॉपिक पर ध्यान देना है, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ एक एक तरीके से एनालिसिस आपको दिया जाएगा। और जो भी मटेरियल दिया जाएगा, समझ लें कि वो खुद से लिखित नोट्स बनाए हैं मैंने, और उसी नोट्स से पढ़कर मैंने सुपर टेट में 128 नंबर लाए हैं। तो आप भी आसानी से उस नोट्स को पढ़ के, उस नोट्स के द्वारा पढ़ के या चीजों को समझ के आप दे सकते हैं। इसलिए मैं नोट्स को एकदम सीक्वेंस तरीके से कर रहा हूं, बहुत अव्यवस्थित तरीके से मैंने बनाया था, क्योंकि बहुत कम समय मिला था हम लोगों को, मात्र 3 से 4 महीने का समय मिला था। उसी 3-4 महीने के समय में पढ़ाई करना था और अपना सिलेक्शन लेना था। तो इसलिए आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोग भी 4 से 5 महीने में सुपर टेट में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप लेट करेंगे तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस वैकेंसी में अगर आप चूक गए तो मान के चले कि अगली वैकेंसी के लिए आपको फिर 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को अनवरत तरीके से बिना किसी रुकावट के कम से कम 4-5 घंटे का अपने भविष्य के निर्माण के लिए दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।